नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले भी बीजेपी के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लगातार हमलावर हैं। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश की संपत्ति को मुसलमानों को बांटने का वादा किया है। हिमाचल प्रदेश में हरिपुर में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने शादी नहीं की है, इसलिए अपने बच्चों की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। खड़गे ने 27 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अमेठी और रायबरेली सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा। असम के गुवाहाटी में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा, जब लोगों की ओर से उम्मीदवारों के नाम मेरे पास आएंगे और मैं अधिसूचना पर हस्ताक्षर करूंगा तो इसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है। यह सीट वे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे। AIIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान कहा, पीएम मोदी राजस्थान में रैली के दौरान कहते हैं कि 17 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हिंदू माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन कर दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात दूर तक जाएगी, अगर तुम्हारे मुंह में जुबान है तो मेरे मुंह में भी जुबान है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर एनएसजी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर एक चॉकलेट बम भी फूटता है तो यहां सीबीआई, एएनआई और एनएसजी को भेज दिया जाता है। बरामद हथियारों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वह सामान बरामद कहां से हुआ, शायद यह सामान वो खुद अपनी गाड़ी में लाए होंगे, इसे बरामद हथियारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में एक बार फिर चोट लग गई है। ममता बनर्जी आज दुर्गापुर के गांधी मोड़ पर हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लड़खड़ा गईं। इस दौरान उनके पैर में चोट लग गई, हालांकि ये चोट गंभीर नहीं है। वे आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित करने जा रही थी, उसी दौरान ये घटना हुई। हालांकि ममता बनर्जी ने इसके बाद भी अपनी यात्रा जारी रखी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। हालांकि ईडी कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी गई है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कोर्ट में आग्रह किया था कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए, इसके लिए उन्हें कोर्ट से 13 दिन की अंतरिम बेल मांगी थी। शनिवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े चाचा राजा राम सोरेन का देहांत हो गया। इसकी सूचना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के वॉर रूम का उद्घाटन शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने किया। आपने राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 चरणों में चुनाव के 6 दौर में 25 मई को इन निर्वाचित क्षेत्रों में मतदान होगा। राय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आप मुख्यालय में स्थित वॉर रूम में विभिन्न उद्देश्यों के लिए 12 टीमें होंगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ईडी के हलफनामे पर यह जवाब दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करके की गई है। ईडी की तरफ से भेजे गए हर एक समन का विस्तार से जवाब दिया गया है। ईडी सिर्फ जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान के बाद एक दूसरे के समर्थकों के साथ हुई मारपीट को लेकर आज रविंद्र भाटी एसपी कार्यालय के सामने समर्थकों के साथ धरना दिया है। भाटी ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कल 26 अप्रैल मतदान के समय मैंने पुलिस और प्रशासन को कई बूथ पर धांधली और मारपीट की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एसपी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में समर्थक धरने के बाद कार्यालय के बाहर सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन 22 लोगों के पास जितना धन है उतना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा, दूसरे चरण में दिन भर के अजब रुझान देखने को मिले हैं। हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने वोट डालने के हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना जाना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से कम होते चले गए। सपा प्रमुख ने आगे लिखा, दरअसल भाजपा के हताश निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उलूल जुलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और नाराज भी हैं। मणिपुर में जारी हिंसा भी थमती नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के एक दिन बाद ही यहां कुकी उग्रवादियों ने नारायण सेना इलाके में CRPF के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवानों की मौत भी हो गई है। मणिपुर पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुकी उग्रवादियों ने आधी रात 12:30 बजे CRPF के कैंप पर हमला किया और ये 1:30 बजे तक जारी रहा। हमले में मारे गए जवान राज्य के विष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में तैनात CRPF की 128वीं बटालियन के हैं। मणिपुर पुलिस के मुताबिक इस घटना में 2 और लोग घायल भी हो गए हैं। कन्नौज लोकसभा चुनाव दिलचस्प मोड पर आ गया है, जहां इस सीट पर एक तरफ सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं। लेकिन अब जनसंपर्क के साथ साथ दोनों की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, जहां एक बार फिर सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर बयान देते हुए कहा कि शिवपाल यादव भी इंतजार करें, जल्द ईडी और CBI उनके पास भी पहुंच रही है। और अखिलेश यादव पर तो रिवर फ्रंट घोटाले की रिपोर्ट हुई है, CBI का समन भी उन तक पहुँच चुका है। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में नए सिरे से जांच करने की कुश्ती महासंघ ने पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका राव सेविनी कोर्ट ने खारिज कर दी है। ब्रजभूषण का दावा था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद नहीं थे। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 7 मई को आदेश सुनाएंगे। आरोप तय करने को लेकर जो कोर्ट का आदेश आएगा उससे साफ हो जाएगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर मुकदमा चलेगा या नहीं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com पर।